दोस्तों इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है यामा XSR 155। देखने में काफी स्टाइलिश होने वाला है। यामा की बाइक कैसा परफॉर्म करता है ये तो काफी सारे लोगों को पता है। मैं भी काफी सारे लोग ये बाइक को लेने के लिए वेट भी कर रहा होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस बाइक कब लॉन्च होने वाली है, इसका प्राइस कितने की देखने को मिलेगा, इस बाइक में आपको माइलेज कितने मिलने वाला है, साथ में इस बाइक का फीचर्स क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बोंगोट्री। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यामा जब भी बाइक लॉन्च करती है तब भी उस बाइक के अंदर कुछ ना कुछ खास चीज जरूर ऐड करता है जिससे बाइक का परफॉर्मेंस और भी अच्छा बढ़ जाता है। तो खास करके इस बाइक के अंदर तो बहुत सारे चीज ऐसे देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको 195 cc की इंजन देखने को मिलेगा, साथ में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOAC इंजन देखने को मिलेगा। इस बाइक का कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल मिलने वाला है। मैक्स टॉर्क 14.7 Nm एट 8500 RPM पर देखने को मिलेगा। साथ में इस बाइक का पीक पावर 19.3 PS एट 10,000 RPM देखने को मिलेगा। 6-speed गियरबॉक्स, BS6 सिंगल चैनल ABS, फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फीचर्स एंड सेफ्टी के बारे में। इस बाइक के अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है डिजिटल देखने को मिलेगा, साथ में स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिमीटर, ओडोमीटर सब कुछ डिजिटल मिलने वाला है। दोस्तों इस बाइक के अंदर एक फीचर्स ऐड होगा जो है हाई परफॉर्मेंस वेरिएबल वाल्व्स एक्वेशन VVA और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। दोस्तों यामा क्लेम करता है कि सिटी में आपको 48.58 km/L मिलने वाली है, हाईवे पे आपको 52.02 km/L में मिल जाएगा। 10 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बाइक के अंदर फुल LED देखने को मिलेगा, हेडलाइट में आपको DRL देखने को मिलेगा, साथ में इसके ऊपर XSR की बैचिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस बाइक का ब्रेकिंग और टायर की। तो फ्रंट में आपको 282 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, साथ में 220 mm की डिस्क ब्रेक रियर में देखने को मिलेगा। फ्रंट में 100x80 17 इंच, रियर में 140x70 17 इंच की टायर देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, साथ में स्विंग ग्राम सस्पेंशन रियर में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो बाइक है ये स्पोर्ट्स नेगेट बाइक होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इसका जो एक्सोरूम प्राइस और लॉन्चिंग डेट कौन सी होने वाली है। तो इस बाइक का एक्सोरूम प्राइस दिल्ली देखने को मिलेगा आपको 130,000 से 140,000 आपको एक्सोरूम देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों यामा की तरफ से ये अपडेट आया है कि इस साल दिसंबर महीने के अंदर ये बाइक आने वाली है और इसके भी इससे भी पहले भी आ सकता है। और दोस्तों इस साल अगर नहीं आया तो जून 2023 के अंदर फाइनल आने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था यामा की तरफ से छोटा सा अपडेट। आई होप यू गाइस सारे डाउट क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर। और आपको भी कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना और चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।